हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो एक ऐसी वीडियो होने वाली है दैट इज अ जॉब अपॉर्चुनिटी। और ये किस में आई हुई है, ये कैपजेमिनी में आई हुई है। दैट इज अ पैरिस बेस्ड एमएनसी, आईटी जॉब रोल है। एमई, एमटेक, बीई, बीटेक, एमसीए, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा एक एक चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, एक एक प्रोसेस देखने वाले हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर आउट हो जाएंगे। 50% तक आप मतलब 60% से कम है, 50% से ऊपर है तभी भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं उसमें होने वाले हैं। प्रॉपर हम लोग बात करने वाले हैं एक एक चीज़, एक स्टेप्स, असेसमेंट कैसा होने वाला है, क्या चीजें आने वाली है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। प्रॉपर टाइम्स मैं दूंगा, इजी होगा आपके लिए। तो इसी बात पे यार प्लीज यार लाइक कर दो, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। एक लाइक, एक टैप करना है लाइक बटन पे, एंड नीचे आके कमेंट करना है, व्हाट एवर यू फील लाइक, कुछ भी आपको अच्छा लगता है कॉमेंट कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो सारी चीजें बात करेंगे। और एक और अपॉर्चुनिटी है, दैट इज अ ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट हैज बीन अनाउंस बाई न्यूटन स्कूल। और ये 2022 इस साल हो रहा है, 2021 में एक बार हो चुका है। एंड इतने एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, इतने एक्साइटेड ऑफर्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज में, इंटर्नशिप्स भी अच्छी अच्छी कंपनीज में, उसके बारे में थोड़ा सा और भी मैं दे देता हूँ। और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक रुपए भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया। थोड़ा इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हो, ये हायरिंग पार्टनर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप अब जॉब अपॉर्चुनिटीज में, दीज आर हायरिंग पार्टनर्स एंड दीज आर द कैश प्राइजेस। ये वर्ल्ड वाइड है, किसी भी कंट्री का बंदा अप्लाई कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, एंड मैं कहता हूँ ना भाई कि आप कोई भी हो, ठीक है, आप कोई भी, मतलब ऐसा कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं कि इसी डिग्री के अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप कोडर हो, एक डेवलपर बनना चाहते हो, बेसिकली आपको इन सारे कॉन्टेस्ट में अप्लाई करना चाहिए, एक बार ट्राई आउट जरूर करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है ना, हमें एक्सपीरियंस मिलता है, हमें पता चलता है कि हाँ कैसे कैसे वो चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें क्वेश्चन आते हैं पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में, पर्टिकुलर इंटरव्यूज में, इस टाइप की चीज़ें में, ठीक है। तो डेफिनेटली हायरिंग चैलेंजेस ऐसे ही होते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्राइज देख सकते हो, 1,00,000 रुपये तक का है, एंड द कैश प्राइजेस इज वर्थ अबाउट 10,00,000 का कैश प्राइजेस, ठीक है। 10,00,000 तक का कैश प्राइजेस हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइज आपको 1,00,000 रुपये मिलेंगे, उसके सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, बेस्ट फीमेल कोडर होंगी उनको 10,000 रुपीज मिलेंगे, बेस्ट टॉप इंडियन कोडर जो होगा, बिकॉज एक वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट है, तो टॉप इंडियन कोडर जो होगा उसको 10,000 रुपीज मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग, फिर यहां पे देख सकते हो दैट यहां पे ऐसा नहीं है कि भाई बस यही है, ऐसा है कि भाई इफ यू आर कमिंग 3,000 कोडिंग सुपर हीरोज, ठीक है, 3,000+ कोडिंग सुपर हीरो जिनको गिफ्ट वाउचर, अमेजॉन वाउचर, अमेजॉन क्या नाम है, एक्साइटिंग गुडीज वगैरह हो गए, क्या नाम है, किंडल हो गया, उसके बाद एलेक्सा हो गया, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और दीज आर पीपल हु हैव गॉट प्लेस्ड, लाइक जो प्लेस नहीं, मतलब जो पिछले साल, लास्ट ईयर दे हैव कंपीटेड एंड गॉट द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्राइजेस, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू, मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में आते हो, इस लिंक पर टैप करते हो, ये वाला पेज पर्टिकुलर खुल जाएगा, जिसमें प्रॉपर एक ईजी सा एकदम रजिस्ट्रेशन पेज है, जिसमें आपको अपना फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, यहां पे फोन नंबर डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, साइन अप कर देना है, ठीक है। दैट इज इट, दैट इज द ईजीएस्ट स्टेप। लिंक मैंने इस पर्टिकुलर पेज का नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टैप करके डायरेक्टली जा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया कोई नहीं चार्ज कर रहा है आपसे, 1 रुपए की नहीं बल्कि आपको प्राइजेस मिलेंगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो इन सारी अपॉर्चुनिटीज को। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उठाओ, टैप करो, जाओ और ट्राई आउट जरूर करो एक बार, ठीक है, जाओ। तो अभी हम लोग आ गए अपने डीसी मास्टर वेबसाइट पे, जहां पे कैपजेमिनी वाली अपॉर्चुनिटी पोस्टेड है। यहां मैंने प्रॉपर पोस्ट बनाया हुआ है, प्रॉपर जिसको कहते हैं ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग, ग्रेट रेज्यूमे कैसे बनाना है, वो सारा प्रोसेस, असेसमेंट प्रोसेस, एवरीथिंग इज लिस्टेड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पर टैप करेंगे और कैपजेमिनी के कैरियर्स पेज पे जाएंगे, वहां पे प्रॉपर देखने वाले हैं। पहली चीज तो 2021 ग्रेजुएट्स के लिए है। नेक्स्ट थिंग, फिर यहां पे देख सकते हो दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि बी, बीटेक, एमई, एमटेक और एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ब्रांचेस फ्रॉम एमई, एमएससी, मतलब बी, बीटेक का कोई भी ब्रांच अप्लाई कर सकता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी अप्लाई कर सकता है। सीएस, आईटी तो ऑब्वियसली एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फिर क्या नाम है, अगर आपका क्या नाम है पहले, ठीक है, दैट इज 50%, यू शुड हैव 50% डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और क्या कहते हैं 10th 12th का कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मांगा है, 12th और ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन और डिप्लोमा का बस मांगा है, 50% से ऊपर होना चाहिए, 50% होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बैकलॉग आपके पास नहीं हो चाहिए, बिकॉज 2021 तो ऑलरेडी पास आउट हो चुका है, कोई भी इशूज उसमें नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो, आप लोगों ने अपने बैक्स क्लियर कर लिए हो, अगर नहीं क्लियर किए हैं तो वहाँ पे इशूज हैं, आपको क्लियर आउट करना पड़ेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। और झूठ में मत भरना, बिकॉज कैपजेमिनी बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, उस समय भी आपको रिजेक्ट
रिजेक्ट कर सकती है, बहुत लोगों को रिजेक्शन मिला है अगर थोड़ा बहुत भी डॉक्यूमेंटेशन ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग फिर शुड हैव क्या नाम है, आपको एक बॉन्ड होने वाला है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होने वाला है कि हाँ भाई ये आपका एग्रीमेंट है, इतने टाइम तक आपको काम करना है, दैट इज प्रॉपरली, ठीक है, कैपजेमिनी बॉन्ड साइन करवाती है। उसके बाद फिर शॉर्ट इसकी बात होगी, ये प्रॉपर आईटी रोल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल मान सकते हो। नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे देख सकते हो असेसमेंट प्रोसेस चार स्टेप्स में होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डे टू अप्लाई इज 7th of March और ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, और 8th of March से आपका असेसमेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। जो असेसमेंट होगा बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम, वो चालू हो जाएगा प्रॉपरली, साइड पे मेंशन है, अभी दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट थिंग फिर आपका असेसमेंट होने क्या है, सबसे पहला आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट होता है जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो सेकंड स्टेप होता है, उसके बाद फिर आपका बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी प्रोफाइलिंग होती है जो कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट समझ सकते हो कि हाँ भाई आपको ये सिचुएशन दी जा रही है तो आप क्या करोगे इसमें। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस फोर्थ राउंड में, अगर आप तीनों राउंड क्लियर कर लोगे तो फोर्थ राउंड आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा जिसमें आपका टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, ये दोनों होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर आप कैसे वो सारी चीजें कर रहे हो, प्रॉपर चीजें यहां पे देख रहे हो ना, ओनली दोज अगर आप पहला राउंड क्लियर कर लेते हो, आपने टेस्ट भरा, आपका इंटरव्यू इनविटेशन मिला है टेस्ट असेसमेंट देने का, टेस्ट क्लियर कर लिया, टेस्ट क्लियर करने के बाद ही अगर आगे के स्टेप्स में पहुंचे तभी आपको सारे राउंड्स के यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, प्रॉपरली मेंशन है। नेक्स्ट थिंग फिर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन यहीं पे है, एंड लास्ट डे टू अप्लाई जो मैंने बताया 7th of March है, एंड 8th से आपका एग्जाम चालू हो जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, कोई भी मैं अपने मंथ से नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग फिर साइन अप पे मैंने अप्लाई नाउ पे टैप किया तो आपका सुपर सेट पे ही एग्जाम होता है बेसिकली, इसका सुपर सेट की यहाँ पे खुल गई और यहाँ पे डेडलाइन 10th of March, तो हो सकता है क्लैश करे, ठीक है, बट जल्दी से जल्दी अगर आप 10th of March 7th of March खुला हुआ है अभी रजिस्ट्रेशन, आपने नहीं रजिस्टर किया तो रजिस्टर जरूर कर देना, बिकॉज कोई भी भरोसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज अभी कॉग्निजेंट का निकला था दैट वाज 31 of March को लास्ट डेट था और उन लोगों ने फरवरी में ही क्लोज कर दिया, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन, तो वो गलत चीज़ हुई। नेक्स्ट थिंग फिर यहाँ पे CTC मेंशन है, दैट इज 3 LPA, एंड यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग इज प्रॉपरली मेंशन है यार। तो आप अप्लाई नाउ पे टैप करके, डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे टैप करके रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा जहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर आपको चीज़ें भरनी है, ठीक है। तो वो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी प्रॉपरली ऐसे ही डमी डाल दिया टू शो यू रजिस्टर फॉर अप्लाई पे टैप करोगे अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है या आपने पहले कभी अप्लाई नहीं किया सुपर सेट से, ठीक है, बिकॉज बहुत ढेर सारी कंपनी सुपर सेट पे एग्जाम ले रही है, ठीक है, कैपजेमिनी हो गई, विप्रो हो गई, क्या नाम, और भी कंपनीज हैं जो डायरेक्टली इससे एग्जाम ले रही हैं, ठीक है, सुपर सेट पे। तो फुल नेम अपना डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें सही से डाल देना, बिकॉज परसेंटेज वगैरह अगर आप ऊपर नीचे भरते हो या गलत भरते हो, कुछ भी भरते हो, कुछ क्लैश होता है, तो लास्ट में जब आप फॉर्म भर दोगे ना तो यहीं पे राइट साइड में यहीं पे यहाँ पे शो करता है दैट यू आर एलिजिबल और नॉट, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी मीट आउट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, तो प्रॉपरली वहीं पे मेंशन होता है। तो अगर आप एलिजिबल नहीं है तो वहीं पे मेंशन हो जाएगा कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो वहीं पे अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई नाउ ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्म फिलआउट किया, भरा वो, और ये वन टाइम प्रोसेस, अगर आपने एक बार सुपर सेट का अकाउंट बना लिया वो हर एक जॉब रोल के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई बस एक ही जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, और भी जॉब रोल्स के लिए वो पर्टिकुलर अकाउंट आप यूज़ करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्टली अप्लाई कर, तो ये वन टाइम प्रोसेस है, एक बार अकाउंट बना के एक बार चीजें करना है। सो यही सारी चीजें थे, मैंने लिंक जो ग्रैंड कॉन्टेस्ट हो रहा है न्यूटन स्कूल का कोडिंग कॉन्टेस्ट बेसिकली जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे टैप करो, रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपए आपको जेब से नहीं देने है, प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ट्राई आउट जरूर करना, बिकॉज मैं कहूंगा भाई ट्राई आउट करना चाहिए, बिकॉज ऐसे कॉन्टेस्ट हमें एक्सपोजर देते हैं, हमें पता चलता है कि हायरिंग चैलेंजेस जो होते हैं, जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रॉपर कॉन्टेस्ट मतलब एक ग्लोबल कॉन्टेस्ट है, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ग्रैंड है ना तो उससे अपर समझ जाओ कैसा होने वाला लेवल। तो ये सारी चीजें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है रजिस्ट्रेशन का इस पर्टिकुलर पोस्ट का, तो आपको इजी होगा पर्टिकुलरली अप्लाई करना। लिंक्डइन पे भी काफी चीजें पोस्ट कर रहा हूं, टेलीग्राम पे भी चीजें पोस्ट कर रहा हूं, इंस्टाग्राम पे भी चीजें पोस्ट कर रहा हूं, वेबसाइट पे भी चीजें आती रहती हैं, यूट्यूब चैनल पे भी चीजें आती रहती है, व्लॉग चैनल मेरा है, व्लॉग चैनल पे भी आती रहती है, इतनी ढेर सारी चीजें मैनेज करना है किसी तरह। तो प्लीज यार इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को, नहीं जाके कमेंट जरूर कर देना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे और चीजें कहने के, ऐसे एनर्जी के साथ हम लोग आएंगे। तो डेफिनेटली जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ मैंने दे दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।